अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूबर नहीद आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। और मौसम बहुत ही प्यारा है, बहुत ही तेज़ बारिश एकदम स्टार्ट हो गई थी तो मैं बनाने लगी थी घिया दाल। मैंने कहा आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ जिस तरह मैं बनाती हूँ। बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है, बहुत यमी बनती है और बहुत ही क्विक रेसिपी है। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने लिया है प्याज। प्याज जो है वो मैंने हल्का सा फ्राई कर लूँगी। उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है बारीक काट के, उसे देखी मैं चूल्हे पर रख दिया था। अब ऑयल भी डाल दिया इसमें और इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। और मसाले जो से मैं डालूँगी वो भी आप नोट कर लें। मैंने जो से मसाले डाले हैं उसमें कलौंजी है, ज़ीरा है, नमक है, अचार मसाला है, हल्दी है और बस इतने मसाले जो से वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और साथ मैंने लहसुन जो से वो बारीक काट लिया है। तो प्याज मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैंने लहसुन जो से वो बारीक काट के वो डाल दिया है इसमें। और इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, यानी कि कलर फ्राई नहीं, कलर नहीं इसका चेंज करना, बस इसको फ्राई हल्का सा करना है। उसके बाद मैंने इसमें मिर्ची, टमाटर, अदरक जो है वो ऐड कर दिया है। इसको मैं थोड़ा सा हिलाया है और देखिए मैं 2 सेकंड ही सिर्फ फ्राई कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही। फिर उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है। इसमें मसाले जो मैंने आपको दिखाए हैं वो सारे इसमें डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसको ऐसे ही थोड़ी देर हिलाऊँगी। फिर उसके बाद मैंने इसमें दाल जो सी भिगोई हुई थी वो मैंने इसमें डाल दी है। इसको तकरीबन मैं थोड़ा सा पानी डाल के रख दूँगी ऊपर, क्योंकि जो सी दाल होती है वो टाइम लेती है और वैसे भी जब ऑयल आ जाएगा ऊपर तो मसाला अच्छे से भून जाएगा। उसके बाद फिर मैं इसमें घिया डालूँगी। उतनी देर मैंने घिया काटना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि जब आप कोई काम कर रहे हो तो साथ साथ ही इस तरह किचन में काम कर लें तो जल्दी हो जाता है। और साथ ही मसाला तैयार हो गया, साथ ही सब्ज़ी कट रही है, तो जो सी दाल है वो जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर मैं घिया ये काटा हुआ उसमें डाल दूँगी। और ये दाल देखिए जो से ये वो भी तकरीबन हो चुकी है फ्राई, मसाला हमारा रेडी है। अब इसमें हम डाल देंगे घिया जो मैं बारीक बारीक काटा है। घिया जितना बारीक काटेंगे उतना मज़ा आएगा खाने का, क्योंकि घिया जो सा था इसमें ज़रा छोटे छोटे भी नज़र ना आए। पिसा हुआ जो सा घिया होता है वो बहुत ही अच्छा दाल में लगता है, तो इससे मैं इसलिए बारीक काटा है। और इसके बाद मैं इसमें 1.5 प्याली पानी डाल लूँगी। तकरीबन इसे 15 मिनट के लिए मैं प्रेशर में लगा कर रख दूँगी और तकरीबन 15 मिनट के बाद फिर हम देखते हैं कि कैसा हमारा ये सालन जो सा तैयार हुआ है। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन जो है बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। इसे आप दाल के साथ, पराठे के साथ आप खाएंगे, बहुत ही आपको मज़े का लगेगा। ये देखिए इसके ऊपर ऑयल जो सा वो आया है। इस ऑयल का ये फ़ायदा है कि जब ये ऑयल आ जाता है तो इसको दोबारा फ्राई करते हैं तो इससे बहुत ही टेस्ट दुपाला हो जाता है। और ये जो सी घिया दाल होती है बहुत ही मज़े की बनती है और ख़ासकर जो सा ये दोनों का कंट्रास्ट है बहुत ही अच्छा लगता है। तो होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।